हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग इन फैशन में आपका स्वागत है। आज हम ब्यूटीफुल सा बैक नेक डिज़ाइन बोथ नेक जो है गला बनाने वाले हैं, उसके साथ ब्यूटीफुल सा बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो कि बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो। और जो हमारा फ्रंट नेक रहेगा वो है हमारा 6 इंच, और बैक नेक जो है हम बोथ नेक रखने वाले हैं जो मनीषा जी ने रिक्वेस्ट की थी, उन्हीं के लिए मैं वीडियो लाई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमारा मेजरमेंट इस टाइप से, लेंथ है हमारी 13 इंच, उसमें प्लस हमें 1 इंच ऐड करना है तो 14 इंच हो जाएगी। ये जो मेजरमेंट है हमारा बैक पार्ट का, फ्रंट पार्ट का नहीं है। फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट में बनाने वाली हूँ, जिसपे मैं पहले ही 2 बार वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से बनता है। क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो, इसलिए मैं इसे जो है फ्रंट पार्ट जो प्रिंसेस कट में बनाने वाली हूँ, तो उसे अभी मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, सिर्फ बैक पार्ट ही दिखाऊंगी। उसका ड्राफ्ट में बना के कटिंग कर लूंगी। चेस्ट है हमारे 32 32 का फोर्थ हुआ हमारा 8 8 में प्लस हमें 2 ऐड करना है तो हमारा हो जाएगा 10। इसी तरीके से जो हमारे शोल्डर है वो है 14 इंच है, और हमारे शोल्डर का हाफ होगा 7 इंच। कमर है हमारी 28, उसका फोर्थ हुआ 7 7 में 2 इंच ऐड करना है तो 9। इस तरीके से जो है हमारा मेजरमेंट है, ये बैक पार्ट का मेजरमेंट है। फ्रंट पार्ट जो है के चेस्ट अगर 32 या प्रिंसेस कट में बनाने वाले हो तो 8 में 4 ऐड करना रहता है। इस तरीके से कोई से भी टक्स में आप इसे बना सकते हो। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रंट पार्ट जो मैं प्रिंसेस कट में बनाने वाली हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंसेस कट का ड्रॉप बनता है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे कटिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इधर से हमारी फोल्डेड साइड रहनी चाहिए क्योंकि बैक पार्ट हमारा ओपन नहीं रहेगा, बोथ नेक रहेगा इसीलिए। और डबल लेयर कपड़ा है हमारे, हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, तो उसमें हमने 1 इंच ऐड किया तो 14 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद जो है हमें हमारा जो शोल्डर है हमारे वो है 14 इंच, तो उसका हाफ हुआ हमारा 7 इंच। इस तरीके से हम जो है 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से हमारे गले की चौड़ाई हम रखने वाले हैं 3 इंच, क्योंकि बोथ नेक है हमारी, और हम लेंथ भी इसकी जो है 3 इंच रखने वाले हैं इस तरीके से। अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो आप जो है गले की चौड़ाई 3 इंच एक पाव भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ से इसमें गले का शेप दे देना है। उसके बाद हमारी आर्म होल जो है 6 इंच, तो हम 6 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और अब हमारे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट आए थे हमारे 10 इंच, यहाँ से हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। और कमर आई थी हमारी 9 इंच, जो अभी मैंने मेजरमेंट में बताया था कि चेस्ट और कमर का चौथा भाग करके उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है। तो इस तरीके से हमने बना लिया है इसे। अब हम यहाँ से जो है आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहां से हम नेक का भी शेप दे देंगे। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से हम मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा ब्लाउज का जो बोथ नेक का बैक पार्ट जो बना लिया हमने, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कि जो है बोथ नेक के गले की लेंथ मैंने 3 इंच ही रखी है। अगर आप 3.5 इंच रख रहे हो या 4 इंच रख रहे हो तो यहाँ से मार्किंग होगी हमारी, तो हमारे 1/2 इंच इधर से शोल्डर जो है कम हो जाएंगे, तो हमारी कटिंग जो है इतने शोल्डर कम हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी आर्म होल का शेप आएगा। इसी तरीके से हमें जो है नेक को कट कर लेना है। ये हमने हमारा बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले यहाँ से 1/2 इंच लाइन छोड़नी है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। देखिए, इस तरीके से हमने 1/2 इंच की लाइन छोड़ ली है। अब जो है हमारा ये बैक पार्ट है, हमें इसे ये 1/2 इंच की लाइन छोड़ी है, इसके ऊपर हमें रख देना है। और हमारा नेक का और यहाँ से हमारी जो आर्म होल का शोल्डर है उसका निशान हमें बना लेना है। बस ये दोनों ही मार्क करने हैं हमें, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब हमें ये बैक पार्ट हटा देना है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट नेक है वो भी हम 6 ही रखने वाले हैं। जो मनीषा जी ने मुझे कमेंट की थी कि मैम फ्रंट पार्ट जो 6 इंच रहे और बोथ नेक रहे तो कितना रखना है हमें शोल्डर वगैरह, तो सेम फ्रंट पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रंट नेक से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैक नेक से ही सब हमारे शोल्डर पे जो पूरा असर पड़ता है। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे 6 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ से जो है हमारी आर्म होल का भी शेप दे देना है।
हम यहाँ से पहले हमारे नेक का शेप दे देंगे। अब देखिए, अब हमारे जो चेस्ट हैं फ्रंट पार्ट के, वो यहाँ से लेने हैं हमें। प्रिंसेस कट में इस तरीके से हमारे 4 इंच ऐड करने रहते तो 12 आएंगे, तो हम यहाँ 12 पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमारे आर्म होल का शेप दे देंगे। बस आपको इतना ही समझने की जरूरत थी। इसके बाद आप जो भी ड्रॉप बनाने वाले हो उसमें वो बना सकते हो। तो मैं इसमें प्रिंसेस कट बनाने वाली हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो 1/2 इंच लाइन छोड़ने के बाद ही उसमें हमें मार्किंग करनी होती है। इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। देखिए, इस टाइप से हमने जो ये प्रिंसेस कट का ड्रॉप बना लिया है, प्रिंसेस कट ब्लाउज का। देखिए, इस तरीके से हमने ड्रॉप बना लिया। अब हमें कुछ नहीं किया, हमने शोल्डर जो बैक पार्ट के बराबर लिया, नेक हमारा फ्रंट जो 6 इंच है, हमारी आर्म होल जो फ्रंट की आर्म होल में हमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई लेनी होती है। तो इस तरीके से हम इसमें जो है गोलाई का शेप दे देंगे यहाँ से। अब हम इसकी जो है कटिंग कर लेते हैं। हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है, सेम इसी तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक है जिसका हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, उस पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। हमने उसकी भी कटिंग कर ली है, इसी टाइप से कट करना है उसे भी। पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में अगर आप पाइपिंग लगाने वाले हो तो डायरेक्ट आप जो है इसमें पूरे में सिलाई लगा के जो है ये वाला प्रिंसेस कट यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। पर मैं इसे पलट के बनाने वाली हूँ, तो पहले मुझे इसका गला फिनिश करना होगा। तो मैं पहले इसका गला फिनिश कर लेती हूँ पलट के। इस तरीके से इसे अस्तर के ऊपर उल्टा रखने के बाद, सिलाई लगाने के बाद कट्स लगा के मैं इसे पलट के तैयार कर लूंगी। इस तरीके से हमने इसका नेक तैयार कर लिया। अब हम इसे पूरे में इसमें सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके ना। इस तरीके से जो है हमने इसमें दोनों में सिलाई लगा ली है। अब हम जो प्रिंसेस कट हमारा ड्रॉप कट किया था यहाँ से इसे जो है ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक पार्ट तैयार कर लिया। यहाँ हमें कास्टिक बटन टेक लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूंगी और कास्टिक बटन टेक दोनों लगा लूंगी। इस तरीके से हमने दोनों फ्रंट पार्ट तैयार कर लिए और कास्टिक बटन टेक दोनों लगा लिए। अब हम बैक नेक तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने ये अस्तर रखा। अस्तर के ऊपर हमने जो है ये हमारा मेन जो कपड़ा है ब्लाउज का, उसे रख लिया है। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से इसका गला जो है फिनिश करना है। तो हमने इसे इस तरीके से एडजस्ट करके रख लेना है। इसका जो इधर की साइड सीधा पार्ट है और ऊपर की तरफ उल्टा पार्ट है, हम नेक में हम सिलाई लगा लेंगे। हम नेक में सिलाई लगा लेंगे और कट्स लगा लेके गले को पलट देंगे और ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा गला अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, इस तरीके से हमने इसके नेक में सिलाई लगा ली। अब पूरे में इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली। अब हम जो है डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमें कैनवास ले लेना है जिससे हम डिजाइन बनाते हैं, गले बनाते हैं। इसकी जो है हमारी लेंथ मैंने रखी है 5.5 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 7 इंच। इसे हमें बीच में से फोल्ड कर देना है। देखिए, इस तरीके से हम इसे बीच में से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं हार्ट शेप, वो हार्ट हम बना लेंगे। इस टाइप से हम इसमें जो है हार्ट शेप बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जितनी बड़ी डिज़ाइन बनाना चाहते हो उस तरीके से बना सकते हो। सेम इसी के साथ हम थोड़ी सी दूरी पर एक और उसी टाइप से शेप दे देंगे हार्ट शेप का और इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमने इसे बना लिया। अब जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है इसके ऊपर हम इसे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। जो अस्तर है हमें उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करना है, जो हमने हार्ट शेप बनाया है उसका। आप वीडियो में भी देख सकते हो इस तरीके से। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। पहले हम कैनवास के ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से इसमें जो है मैंने अभी कैनवास के ऊपर सिलाई लगाई है। अब जो हमारा ये गोलाई शेप में, तो इसमें हमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट लगा देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा जब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो अच्छे से वो फोल्ड हो जाए इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमने इसे ऊपर से फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से हमें जो हार्ट शेप बनाया है इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
देखिए इस तरीके से हमने जो है ये हार्ट शेप तैयार कर लिया है। देखिए अब हमें ये बैक पार्ट ले लेना है और इसका सेंटर हमारा जो एकदम बराबर सेंटर रहना चाहिए। ये हमारी सेंटर लाइन है, देखिए इस तरीके से हमारी ये सेंटर लाइन है। यहाँ पे मैं एक पिनअप कर देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये सेंटर लाइन है। ये देखिए इस तरीके से हमारी सेंटर लाइन है। अब हमें इसमें जो है सेंटर में एकदम ये वाला जो कोना है हमारा हार्ट शेप का, वो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा जो है सेंटर में ही रहना चाहिए। ये इस तरीके से मैं इसमें जो है बीच में पिनअप कर दूंगी ताकि इधर उधर खिसके ना। अब जो हमने पहले कैनवास पे सिलाई लगाई थी, अब हमें इसके पास में यहाँ पर पूरा जो ये हार्ट शेप बना लेना, सिलाई लगा लेना है इसमें। हमने इसमें सिलाई लगा ली। अब हमें जो ये बीच वाला पार्ट है इसे कट करना। पहले हम थोड़ा सा कट लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से पूरा हार्ट के शेप में कट कर लेंगे थोड़ी सी जो है सिलाई रखने के बाद। और उसके बाद सिलाई से पहले हम इस तरीके से कट्स लगा लेंगे और जो हार्ट शेप है हम इसे पलट देंगे। इस तरीके से हमने इसमें कट्स लगा लिए। अब हमें इसे पलटना है तो हम अंदर की तरफ उल्टे साइड इसे पलट देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसे जो है पलट के अच्छे से हार्ट शेप बना लिया। अब हमें इसमें नेट अटैच करना है, तो हम इसके बराबर से थोड़ा एक्स्ट्रा जो है नेट कट कर लेंगे और उसे नीचे की तरफ रख के ये जो हमारा हार्ट शेप है इसे एकदम बराबर रख सेंटर में रख देंगे। इधर उधर हमारा जो नेट थोड़ा रहना चाहिए ताकि सिलाई में आए वो। और उसके बाद हमें जो इसमें पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे, एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें पिनअप करने के बाद सिलाई लगा देंगे। हमें सिलाई उसी शेप में लगानी है जिस तरह की हमारी डिज़ाइन है, हमारी हार्ट शेप की डिज़ाइन है, तो हम उसमें उसी तरीके से हार्ट शेप में ही सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा नेट है उसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए अब जो है हमने हार्ट शेप कट किया था, उसका बीच वाला पार्ट जो निकला था इसे हमें और छोटा कर लेना। आप चाहे तो दूसरा भी कट कर सकते हो और इसे हम जो है छोटा कर लेंगे। इसी शेप में हम इसे छोटा कर लेंगे हार्ट शेप में ही। देखिए हमने इसे छोटा कर लिया। अब हम हमारी डिज़ाइन पर रख के देख लेते हैं कि इसका साइज़ इससे कितना बड़ा है छोटा है। हम इसे हल्का सा और छोटा करेंगे क्योंकि ये थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी और छोटी कर दूंगी। अब हमने इसे और छोटा कर लिया है। देखिए मैं फिर से इसे आपको उसी डिज़ाइन पर रख के दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारा इतना छोटा, अब हम इसकी डिज़ाइन बना लेंगे। अब जो हमने ये हार्ट कट किया इसे हम अस्तर वाले कपड़े पे रख के इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। पूरे में कैनवास के ऊपर सिलाई लगाना है हमें। हमने कट किया था ब्लाउज, वो वाला कपड़ा ले लेना है इस तरीके से हमें, और उसे भी इतना हमें जो है कट कर लेना है हार्ट शेप में। देखिए इस तरीके से हमने जो है वो कपड़ा भी कट किया, वो इसके नीचे रखा। उसके बाद हमें इसके हार्ट शेप में कैनवास के पास पास सिलाई लगा देनी है। हमें पूरे में नहीं लगानी है, हमें इतनी सी जगह छोड़ देनी है क्योंकि हमें इसे वापस पलटना पड़ेगा। हमें जो इसमें पूरे में सिलाई लगानी है हार्ट शेप में ही, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। उसके बाद हमें इसमें कट्स लगा लेने इस तरीके से। फिर हमने जो पार्ट थोड़ा सा छोड़ा था उस तरफ से हमें पलट देना। पलटने के बाद हमें इसमें ऊपर से भी जो है सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से हमने जो है ये हार्ट शेप बना लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यह बहुत ही प्यारा हार्ट शेप बन के तैयार हुआ। अब जो हमने डिज़ाइन बनाई थी इसमें जो है हमें हार्ट शेप इस तरीके से यहाँ तक सिल देना है।
देखिए इस तरीके से हमने नेट के ऊपर छोटा वाला जो हार्ट है उसे अटैच कर लिया, बहुत ही प्यारा बना। इसी तरीके से सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरा भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरीके से जो है दूसरा भी बना लिया, ये भी हमारा बहुत प्यारा बन के तैयार हुआ है। हमारा जो बैक नेक डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने जो बैक पार्ट तैयार किया है इसमें कमर के आठवें भाग में हमें बैक पार्ट में जो है टैक्स लगा लेने हैं। अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को जॉइंट कर लेंगे, शोल्डर जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। मैं इसमें जो ये वाली नेट की स्लीव्स लगाने वाली हूँ, जिसे मैंने सिंपल ही स्लीव्स कट किया है। उसके बाद सिंपल कटिंग करने के बाद जो है एक इसे सामने से फोल्ड करने के बाद मैंने 1 इंच पे जो ये ब्लैक वाला इलास्टिक लगा दिया है। तो इस टाइप से ये स्लीव्स बन गई। ये बहुत ही प्यारी लगती है स्लीव्स पहनने के बाद। इस तरीके से मैंने इतने दूरी पे इसमें ब्लैक कलर का इलास्टिक लगा के ये जो स्लीव्स तैयार कर ली। ये स्लीव्स मैं इसमें अटैच करने वाली हूँ। देखिए स्लीव्स अटैच करने से पहले हम 1.5 इंच इधर और शोल्डर से 1.5 इंच इधर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमें है स्लीव्स ज्वाइन करनी, क्योंकि हमें जो स्लीव्स में ऊपर की तरफ जो है सेल आएंगे, इसलिए मैंने जो है ये बराबर निशान लगाया है। इसके बाद हमें जो स्लीव्स का सेंटर ले लेना है। इस तरीके से उसे फोल्ड करने के बाद सेंटर पर कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने के बाद जो हमारे शोल्डर है और स्लीव्स का जो सेंटर है उसमें हम इस तरीके से पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम इधर से और इधर से दोनों तरफ से वहाँ तक सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने अभी चौक से निशान बनाया था। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसे इतना ओपन रखा है, जो हमने निशान बनाया था वहीं तक लगाया है मैंने। इसी तरीके से मैं इधर से भी लगा दूंगी। हमने दोनों तरफ जो सिलाई लगा दी है, उसके बाद हमने जो पिनअप किया से हम निकाल लेंगे। अब हमें जो हमारी बची हुई जगह है जिसमें हमने सिलाई नहीं की उसमें अच्छे से हम सेल लगा देंगे इस तरीके से, और उसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम जो ये ब्यूटीफुल सी स्लीव्स जो है तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इधर से जो है ये साइड जॉइंट करने के बाद बेल्ट लगा के हमारा ब्लाउज तैयार कर लेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल बैक नेक बोथ नेक डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। मनीषा जी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे टिकटॉक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं अपने स्टिचिंग के वीडियोस और फोटो डालती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।